शांति आदि रत्न दादी ब्रिज इंद्रा चैप्टर टू पार्ट टू दादी जी के त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन उनके बारे में इस प्रकार बताती हैं दादी का केवल बाप के प्रति नहीं लेकिन बाप दादा के प्रति जो निश्चय था वो अखंड था कभी उसका खंडन नहीं हुआ वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ऐसे ही बाप और दादा भी सदा कंबाइंड है दादी का यह निश्चय अटल था बाबा का शांत स्वभाव दादी बताती थी कि लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्व स्नेही थे उनका सिखाने का ढंग बहुत ही निराला था बाबा को भक्ति भी जसोदा माता ने ही सिखाई थी जसोदा माता हमेशा भक्ति में लीन रहती थी एक बार हम सपरिवार कोलकाता घूमने गए थे जसोदा माता वहां भक्ति में इतनी लीन हो गई जो ट्रेन का समय हो गया पर तल्लीनता में उसे पता ही नहीं चला उस जमाने में कारें तो थी नहीं फिर बाबा ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारा परिवार सामान सहित स्टेशन पहुंचा देखा सामने से ट्रेन जा रही थी बाबा को मालूम था कि ट्रेन चली गई होगी परंतु यह मालूम होते भी सिखाने के लिए ही बाबा लेकर गया और कुछ भी बोला नहीं जसोदा माता ने कहा अरे ट्रेन सामने से जा रही है बाबा सिर्फ मुस्कुराए बोले कुछ नहीं कैसे समय का पाबंद रहना है यह सिखाने के लिए बाबा ने यह सब किया था फिर सामान सहित सब स्टेशन से वापस आए टिकट भी व्यर्थ गए आगे की यात्रा अगले दिन ही संभव हो पाई पर फिर भी बाबा का इतना शांत स्वभाव था कि कुछ भी बोला नहीं देखा सब साक्षी होकर के प्रथम नंबर की आत्मा के अंतिम जन्म तक भी रॉयल्टी के संस्कार गए नहीं थे खुद के लिए कम से कम दादी का जीवन अति त्यागमय था हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना दादी कहती थी हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो भी हमारे भविष्य में से कट हो जाता है दादी को दमा की थोड़ी तकलीफ रहती थी हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आए पर दादी कहती थी मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है खुद के लिए वह इतना सा खर्चा करने को भी तैयार नहीं थी सेवा के लिए जितना चाहिए उतना खर्चा करो पर खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करना है ट्रेन से ही सफर दादी महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के सेवा केंद्रों की उन्नति के निमित्त थी कभी किसी दूसरे सेवा स्थान पर जाना होता था तो ट्रेन से जाती थी मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की बहुत सुविधा है और उन द्वारा जल्दी भी पहुंचते हैं बहन भाई पूछते थे आप इतनी बड़ी दादी हो फिर भी ट्रेन में क्यों जाती हो दादी कहती थी नहीं मैं जा सकती हूं इसलिए ट्रेन से ही जाऊंगी सबको यह महसूस होता था कि इतनी छोटी छोटी बहनें वो तो कारों में जाती हैं। फिर दादी ट्रेन से क्यों जाती है पर उनका बहुत बहुत त्यागी जीवन था बाबा से कनेक्शन जुड़वाया हम कुमारियों को मां जैसा प्यार देती थी जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद नहीं आया हमें अपनी लौकिक माता से बहुत मोह था पर जैसे जैसे दादी की पालना मिली मोह टूटता गया इतना प्यार देते हुए भी दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फसाया हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया दादी की तबियत ठीक न रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी कोई बात होती थी कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी प्रकाश मणि दादी से पूछो उनसे पूछते थे तो कहती थी अरे तुम मेरे से क्यों पूछती हो तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है उनसे पूछो इस प्रकार इनका इतना आपसी प्यार था विश्वास था और एक दो को आगे रखकर चलते थे इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे हम सत्युग का गायन करते हैं कि श्रीलक्ष्मी श्री, श्री नारायण अपने होते हुए अपने बच्चों को राज्य कैसे चलाना है यह सिखाते हैं तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी स्वयं पीछे हो गई और हमें आगे करके हमेशा आगे बढ़ाया हर्षित नेचर जब कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे समुद्र के सामने बाबा का बंगला था तब से दादी को दमा की तकलीफ हो गई थी उस समय तो इतनी दवाइयां भी नहीं होती थी दादी को बहुत जोर से दमा होता था उसकी आवाज भी बहुत आती थी परंतु तकलीफ होते भी तकलीफ की फीलिंग नहीं करते थे उनका चेहरा बहुत हर्षित और अच्छा था बहुत ही हसमुख नेचर थी लेकिन बाबा की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है यह उनके जीवन का बहुत बड़ा नियम था कुछ भी हो जाए कुछ भी करना पड़े परंतु हमें हर हाल में बाबा की श्रीमत पर ही चलना है यह उनका दृढ़ निश्चय था बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा है जिसने भगवान का अवतरण देखा उसे देखने के बाद इनको पक्का निश्चय बैठ गया कि बाबा साधारण नहीं है जब भी बाबा के सामने जाती थी तो बाबा नहीं दिखाई पड़ता था बल्कि श्री कृष्ण ही दिखाई देता था पहले तो कृष्ण को ही भगवान मानते थे इसलिए इनको एकदम निश्चय हो गया और मन में एकदम त्याग भावना भर गई त्याग में पहला नंबर निमित्त गहनों का त्याग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया दादी सुनाती थी कि जब बाबा समर्पण हुए उन दिनों एक बार मैं और मम्मा बगीचे में टहल रहे थे तभी कोई सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए कि ये सब माताएं कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती है आप इन्हें क्या देते हैं बाबा ने कहा मैं ना तो गहने देता हूं ना कपड़े देता हूं ये सब बड़े बड़े घरों की है सुविधाओं में पली है यहां तो बड़ा सादा जीवन है तो इन्हें यहां केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है बाबा की ये बातें हमारे कानों तक भी आ रही थी मैंने कहा मम्मा देखो बाबा हमारे लिए क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं क्योंकि मैंने उस समय भी बड़े कीमती गहने पहने हुए थे मेरे मन में प्रेरणा आई कि अब हमें ये गहने नहीं पहनने हैं तो उस समय हमने गहने उतार दिए हम जानते हैं उस जमाने में घर में सास के होते सास से पूछे बिना यदि बहु गहने उतार दे तो उसे कितना सहन करना पड़ता था परंतु इनको किसी की परवाह नहीं थी बाबा पर अटूट निश्चय था कि बाबा जो कहेंगे वही मैं करूंगी फिर दादी ने बाबा को बताया बाबा आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी बाबा ने कुछ नहीं बोला जसोदा माता को अच्छा नहीं लगा परंतु बाबा ने कुछ बोला नहीं जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेगी इस प्रकार इसे देखकर अन्य भी कईयों ने गहनों का परित्याग किया इस प्रकार त्याग करने में पहला नंबर निमित बनी बड़े दिल वाली जैसे बाबा ने सिखाया है दादी की बड़ी दिल फ्राक दिल थी बाबा की जैसी एकदम कॉपी थी उन जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने देखी नहीं कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वो सोचती थी कि मैं इनको क्या न खिला दू साकार बाबा के सामने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवा केंद्र खुले थे वहां के भाई बहन आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे तो दादी से मिलने आते थे दादी उनकी बहुत खातरी करती थी बाबा की बहू मर गई दादी को मरजीवा जन्म का बहुत नशा था लौकिक जन्म बिल्कुल भूल गया था एक बार कर्नाटक के कुछ बहन भाई आए हुए थे उन्होंने एक छोटी बहन से कहा हम कर्नाटक से आए हैं हमको बाबा की बहू से मिलना है उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया दादी ने कहा उनको बोलो बाबा की बहू मर गई वह बहन तो चकित नजरों से दादी को देखती रही और वही खड़ी रही दादी ने फिर कहा जाओ जाकर कह दो वह बहन तो कुछ नहीं बोल सकी थोड़ी देर बाद दादी तैयार होकर बाहर गई और बोली देखो जिस दिन से यह आत्मा बाबा की बनी उसी दिन से बाबा की बहू मर गई मैं बाबा की बहू नहीं बाबा की बेटी हूं वर्षा बहु को नहीं बेटी को मिलता है इस प्रकार मरजीवा जन्म का जो नशा था वह दादी ने व्यवहार में दिखाया दादी को देखकर हम भी सीखे दादी इतनी नष्टोमोहा थी कि कभी पुरानी बातें याद नहीं की यदि पिछली बातें बताती भी थी तो केवल ये कि बाबा का जीवन कितना अलौकिक था आदि आदि नष्टो मोहा स्थिति दादी के दो बेटे थे बाबा समर्पित हुआ तो सारे परिवार के साथ वे भी समर्पित हो गए एक बच्चे को कराची में स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक निकली और शरीर छूट गया दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था उसे घनसी कहते थे वह भी आबू में सबके साथ आया पर जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और संभालूंगा उसने उसे अपना बच्चा ही समझा वह रहता था नारायण दादा के पास पर हर रविवार को दादी के पास अर्थात मुंबई के सेंटर पर आता था उसको अपनी मां ब्रिज इंद्रा से बहुत प्यार था बाबा पर अटूट निश्चय था उस समय पैतीस का हो गया था पर बोला मुझे शादी नहीं करनी है योगी था उसे बाबा से अति प्यार था बाबा भी उसे बहुत प्यार करता था दादी बताती थी जब यह छोटा था बाबा आता था तो देखते ही दौड़ता था उसे संभालना मुश्किल हो जाता था जब तक बाबा गोद में ना ले ले अति प्यार था दादा अर्थात बाबा से इतना बड़ा होने के बाद उसे भी स्मॉल पॉक्स निकली उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा था बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे बच्चे को पता पड़ा तो बोला मुझे बाबा से मिलना है विश्वकिशोर भाव ने कहा नहीं बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना यह छूत की बीमारी होती है बाबा ने कहा बच्चा याद करे और बाप ना जाए यह कैसे हो सकता है अवश्य जाना है तो बाबा उससे मिलने गए जब हॉस्पिटल में अंदर जाते थे तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता था सेफ्टी की दृष्टि से बाबा ने कहा नहीं मुझे ऐसे ही जाना है फिर बाबा अंदर गए तो उस बच्चे को अति खुशी हुई और एकदम उठकर बाबा को जैसे गले लगा उसको इतनी ज्यादा निकली थी आंख नाक गला सारा भर गया था वह पानी भी नहीं पी सकता था ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह ही नहीं थी फिर भी वह बहुत आनंद में था ध्यान में जाता था वह उसको दादी पूछती थी घनसी भूख लगी है कहता था बाबा के पास वतन में गया था बाबा ने बहुत शुभी रस पिलाया मेरा पेट भरा हुआ है शिव बाबा उसे अपने पास वतन में बुलाकर खिलाता था बाबा ने दादी को कहा तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी फिर हॉस्पिटल में उसके पास बैठती थी जब शरीर छोड़ने का समय हुआ डॉक्टर को पता चल गया उसने दादी को कहा आपको जिसको भी बुलाना हो बुलाओ डॉक्टर ने पूछा आप कौन है इसकी दादी ने कहा माता हूं डॉक्टर ने पूछा स्टेप मदर है क्या दादी ने कहा नहीं रियल हूं डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि मां होकर इसके चेहरे पर कोई असर नहीं हलचल नहीं उस समय फिर विश्वकिशोर भाऊ आया बच्चे के शरीर को जब अंतिम झटका लगा तो भाऊ ने सोचा यह ध्यान में गया दादी को पता चल गया कि आत्मा गई नर्स भागी इंजेक्शन देने पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया फिर सब क्रियाक्रम करके स्नान आदि करके दादी बाबा के पास आई बाबा को सब समाचार सुनाया फिर पूछा बाबा धनसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई ऐसा क्यों? बाबा ने कहा वो आत्मा बहुत कमाई करके गई इसलिए खुशी की लहर आई इस प्रकार दादी की नष्टोमोहा की स्टेज देखकर हमने सीखा कि नष्टोमोहा कैसे बना जाता है दादी ऐसी सुंदर क्लास कराती थी सब जड़ होकर बैठ जाते थे उन जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना भी नहीं सकता कक का चोर सो लक का चोर बाबा कहते हैं कक का चोर सो लक का चोर दादी इस बात पर बहुत समझानी देती थी और कर्मों की गहन गति समझाती थी मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई कभी कोई पेन पिन या स्टेशनरी की चीज सेंटर पर ले आता था तो दादी बहुत ध्यान देती थी पूछती थी यह कहां से आई वो भाई कहता मैं ले आया ऑफिस से दादी कहती ऑफिस की चीज तो ऑफिस में रहनी चाहिए वो कहता दादी सभी ले जाते हैं बॉस भी ले जाता है दादी समझाती थी सभी चोरी करते तो उन्हें देख हमें चोर नहीं बनना है भाग्य बनाने का अर्थ यह नहीं है भाग्य अपने वैध पैसे से बनता है अतः ऐसी चोरी की चीजें भले एक पिन भी हो नहीं लाओ क्योंकि बाबा कहता है कक्का चोर सो लक्का चोर वो लोग कलयुग में हैं पर हम संगम युगी हैं अतः हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए कर्मों द्वारा सीख दादी का युगल विदेश चला गया था उसने वहां जाकर दूसरी शादी की वो लड़की भी यज्ञ की गई हुई थी फिर कई वर्षों बाद मुंबई में आया और दादी को फोन किया उसने पूछा ब्रिज इंद्रा है दादी ने पूछा आप कौन हो क्योंकि कोई भी इस प्रकार दादी का नाम लेकर नहीं पूछता था उसने कहा मैं किशा हूं कृष्ण नाम था किशा कहते थे दादी ने पूछा क्या काम है उसने कहा मुझे आपसे मिलना है दादी ने कहा मुझे आपसे मिलना नहीं है ऐसा कहकर फोन रख दिया इस प्रकार दादी ने यहां भी नष्टो मोह का सबूत दिया संसार में नारी को सबसे अधिक पुत्र और पति के मोह की जंजीरें ही बांध कर रखती हैं दादी ने दोनों जंजीरों से मुक्त होने का प्रमाण दे दिया बाबा कहते हैं अपने कर्मों से सिखाओ तो दादी ने प्रैक्टिकल कर्मों द्वारा हमें भी नष्टोमोहा का पाठ पढ़ाया फिर वो कोलाबा में रहा और उधर ही सेवा केंद्र पर भी आता जाता रहा पर दादी तो देह के नातों से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी थी दादी ने 1 जनवरी 1990 को पार्थिव देह का त्याग किया Om Shanti。